गुड आफ्टरनून फ्रेंड, गुड आफ्टरनून फ्रॉम लोनावला। और मैं कल शाम को ही वैसे यहाँ पे आया था लोनावला में, एक छोटी सी राइड करनी है लोनावला से पाली होके फिर तामिनी घाट होके पौड़ के लिए। एक बात बोलना भूल गया मैं, तर कसं काय मंडळी, मजेत ना? आपण पण मजेत। तो राइड कुछ ज़्यादा लंबी नहीं है, 100-150 किलोमीटर की होगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक वॉल पेंटिंग, यहाँ पे एक आदि योगी और इस तरफ है जानता राजा छत्रपति शिवाजी महाराज। तो एक शॉर्ट राइड करूँ, मैं पिछले बार ही सोचा था अगर कुछ काम की वजह से नहीं कर पाया, लेकिन इस बार मैं कर रहा हूँ। तर आता अपन भेटूया सरळ आपल्या पॅन्थरवर। लोणावळ्यात आहे, गर्दी खूप आहे, पाहू आता बाहेर निघता निघता किती वाजता ते। तो भाई साहब, लोणावळ्या में इतनी गर्मी, इतना रश है ना कि बाहर निकलने के लिए मुझे अलग रास्ता पकड़ना पड़ा। और मैं लोनावला के इंटरनल रोड से होते हुए ओल्ड खंडाला पहुंचा हूँ अभी। तब बाहर निकलना मुश्किल हो गया था लोनावला में, बस अभी ये रेलवे गेट है, ये गेट ओपन मिल जाए तो सही होगा। नहीं तो ये जो गेट है ना, ये एक बार बंद मिला ना तो बहुत मुश्किल से ओपन होता है जल्दी। थैंक गॉड ये ओपन है। और ये हम आ गए अब मेन रास्ते पे, मतलब बैंगलोर मुंबई हाईवे या मुंबई बैंगलोर हाईवे NH4। और अब हम आ चुके हैं ये खंडाला में। अभी मुंबई में भी ट्रैफिक के, टू व्हीलर के लिए ट्रैफिक के रूल चेंज हो चुके हैं कुछ। जो पिलियन है वो उनके लिए भी अभी हेलमेट कंपलसरी कर दिया है मुंबई में। और एक रूल चेंज हुआ है, ये जो कि बेवजह ट्रैफिक में जो हॉर्न बजाते हैं उनके लिए भी कुछ फाइन डिसाइड किया है। हाँ, पिलियन के लिए हेलमेट कंपलसरी है, ये बात सही है भाई, मतलब अच्छी है। तो ये जो टूटा हुआ हिस्सा आपको दिख रहा है ये दोनों तरफ, ये इस घाट की शान था, मतलब अमृतांजल पुल एक था जो कि लॉकडाउन में इसे गिराया गया ताकि ट्रैफिक आसान हो जाए, गाड़ियों के लिए रास्ता आसान हो जाए। और ये आप पीछे देख रहे हैं खोपोली सिटी, ये आजू बाजू का लैंडस्केप, बहुत रश है आज यहाँ पे। ये रहा ड्यूट नोज, हमारे यहाँ पे नागफली बोलते हैं। खंडाला घाट सेक्शन क्रॉस करके आगे की ओर निकलते हैं, नीचे खोपली सिटी में नहीं जाना है हमें, खोपली के पहले ही शिव पाटा करके है, वहाँ से हमें लेफ्ट लेके फिर अलीबाग रोड पकड़ना है। Thank you.
थोड़ा चेंज हुआ है। अभी हम खोपली सिटी में एंट्री करेंगे और खोपली सिटी को क्रॉस करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। आणि हे आपण पोहोचलो खोपोली शहरात। आपण पोहोचलो रायगड जिल्ह्यामध्ये। तर आता आपण लागलो आहे अलिबाग रोडला। हा आहे शिवफाटा। इथून राईट घेतला तर आपण जातो मुंबईच्या दिशेने आणि सरळ जातो अलिबाग पाली। ओहो, बहुत दिनों के बाद यार इस रास्ते से आया हूँ तो क्या देख लिया मैंने, रास्ते का काम है शुरू। अच्छा वाला रास्ता यहाँ पे बन रहा है अब, बहुत बढ़िया। अलीबाग 54, 24, 32 है पाली और ये आ गया पाली फाटा। यहाँ से आगे कुछ ही दूरी पर है इमेजिका। तर आता लोणावळ्यापासून आतापर्यंत आमचं जवळजवळ 31 किलोमीटर राईड झालेली आहे। हा ब्रिज पाडूनच मोठा केला आहे। पाली 15 किलोमीटर आहे अजून, 10-15 किलोमीटर बाद हम पहुंच जाएंगे पाली में। पाली ये जो गांव है ये महाराष्ट्र में अष्टविनायक जो है, जो 8 गणपति के मेन मंदिर है उसमें से एक है पाली। एक अष्टविनायक की भी यात्रा कर लेंगे सेपरेट से, इसमें 8 गणपतियों के दर्शन आपको मैं करवाऊंगा आने वाले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में। के बारिश भी है तो अब क्या करता हूँ, पाली रह गया कुछ 13-14 किलोमीटर तो मैं पाली को लगाता हूँ और आपसे मिलता हूँ पाली के मंदिर प्रीमाइसेस। हम पहुँचे हैं पाली, अभी यहाँ से अंदर जाते हैं मेन मंदिर की तरफ, दर्शन लेते हैं और फिर निकलते हैं क्योंकि अभी बहुत देर हो चुकी है। आगे भी घर जाना है, अभी और कुछ 90 किलोमीटर के आसपास राइड बाकी है और तो फटाफट दर्शन करते हैं और निकलते आगे। कोई तो ट्रिप आई है दर्शन के लिए, शायद से अष्टविनायक दर्शन की यात्रा का नियोजन होगा इनको। एक दूसरे टोपियाँ पहनिए ताकि भीड़ में भी एक दूसरे को पहचान ले और ग्रुप से बिछड़ ना जाए इस वजह से। तो ये है मंदिर का मेन एंट्रेंस, श्री बल्लाळेश्वर देवस्थान पाली। और ये हमारा गणेश जी का मंदिर। रविवार होने के
के बावजूद ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पर, बहुत कम ही भीड़ है। तो यहाँ से आगे हमें अब कैमरा करना पड़ेगा बंद, क्योंकि अंदर परमिशन नहीं है। तो मैं कर लेता हूँ दर्शन और मिलता हूँ आपको बाद में। एक छोटा सा तळा है मंदिरासमोर, पण त्यात काही जास्त पाणी नाही आहे। तो ऐसा कुछ है यहाँ का नजारा। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं करता हूँ अभी यही पर एंड, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होने वाली है। तो मैंने सोचा कि इसको दो पार्ट में बनाया जाए। इस पार्ट का एंड मैं यही पे करता हूँ। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय महाराष्ट्र।